रीवा जिले के ग्राम पंचायत रोली में रोजगार सहायक और सरपंच के बीच जंग छिड़ी हुई है। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बरसात की। ग्रामीणों ने सीईओ के समक्ष बांधे अपनी समस्याओं के सेतु। सीईओ ने मामले की जांच करने और आवश्यकता पड़ने पर चौपाल लगाकर समस्याओं का निराकरण करने के दिया है आश्वासन। रीवा जिले के ब्लॉक जवा अंतर्गत ग्राम पंचायत रोली में सरपंच और रोजगार सहायक के आपसी मतभेद से परेशान ग्रामवासियों ने जनपद पंचायत सीईओ श्री अरुण कुमार भारद्वाज से किए गए भ्रष्टाचार की जांच करने की मांग की थी। उसी के चलते सीईओ साहब ग्राम पंचायत रोली में सुबह आकर पीड़ितों की समस्या सुनी, साथ ही साथ सरपंच और रोजगार सहायक को समझाइश देते हुए शीघ्र ही पात्र लोगों को आवास योजना का लाभ, मेड बंधान व पेंशन का लाभ देने का निर्देश दिया। वहीं पर उपस्थित जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री कमलेश्वर सिंह ने निष्पक्षता से जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही है। देखिए, जवाब लाख अंतर्गत ग्राम पंचायत रौली में लोगों द्वारा सरपंच सचिव के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, जिसका निरीक्षण करने हमारे जनपद पंचायत के सीईओ साहब श्री अरुण भारद्वाज जी आए हुए हैं। तो मैं सर से ये जानना चाहूँगा कि सर, आपके सामने पीड़ितों ने अपनी बातें रखी और सरपंच और रोजगार सहायक के कुछ आरोप एक दूसरे पर हैं, और मुख्य तौर से आपने अभी सबकी बातें सुनी, पर एक बात ये सुनी कि मेड़ बंधान की जानकारी मेरे पास कुछ गलत आई है। सर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कैमरा मैन सर, कैमरा दिखाइए। देखिए, महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत जो मेड़ बंधान यहाँ स्वीकृत है जी जी, और मुझे मेरे संज्ञान में एक बात आई है कि जी जी, कार्य जो है हो गया है जी, लेकिन स्थल पर कोई कार्य होना नहीं पाएंगे, आप ऐसा दावा करते हैं कुछ लोग जी जी। तो मैं आपको वचन देता हूं कि अपन बहुत जल्दी एक टीम का गठन करेंगे जी जी, और उस कार्य का अपन भौतिक सत्यापन करवाएंगे और उसका फिर निर्णय जो भी हो आगे आपको देखने को मिलेगा जी जी। सर, बहुत सारे ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिसमें खासकर आवास योजना का लाभ तो दिया जा रहा है, पर मजदूरी के नाम में पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार किया गया है। जैसे भी आपके सामने वो महिला बताई कि मजदूरी नहीं दी गई है, तो बहुत सारी ग्राम पंचायत सर ऐसी हैं। देखिए जी जी, आवास में मजदूरी का जो काम करने वाले जो मजदूर जो तय होते हैं जी जी सर, आप देखेंगे कि 100% जी उस आवास के हितग्राहियों के द्वारा तय किया जाता है कि मेरे आवास में कौन कौन काम करेगा जी जी जी, तभी हमारा सिस्टम जो है उसका मस्टर जनरेट करता है जी जी जी, और मस्टर जनरेट करने के बाद उनको मजदूरी में रखा जाता जी है जी जी। आप ये बताइए मुझे, ऐसे कैसे संभव है कि मेरा आवास है और उसमें मेरे सहमति के बगैर कोई मेरे घर में काम जी कर जी सकता है जी क्या सर? मैं नहीं, शायद इसको ये जांच का विषय है जी जी। यदि ऐसा कोई बात आपके संज्ञान में है तो मेरे नॉलेज में आप जरूर रखिए जी जी, है ना, और मैं निश्चित रूप से वहाँ चल के ऐसी व्यक्तिगत बैठ के मैं चौपाल लगा के इसका समाधान करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे साथ में हमारे जवाब अलाकत के जनपद अध्यक्ष श्री कमलेश्वर सिंह जी भी हैं। सर, आप तो करीब करीब सारी पंचायतों के बारे में जानते हैं, ये पंचायत आपके पड़ोस में है, इन लोगों के जो समस्याएं थी, क्या कभी आप से ये लोग बताएं? अगर बताएं तो क्या आपने सरपंच और सचिव से कभी कहने का प्रयास किया? नहीं, खूब किया, काफी प्रयास किया जी जी, और यहाँ कलेक्टर महोदय का भी कैंप लगवाया जी जी, और हमारे पास जब से मैं जनपद अध्यक्ष बना तो सिर्फ जन सेवा के अलावा हमने जी जी कोई काम नहीं किया जी जी जी, और आज तक हमारी गाड़ी को चेक किया जाए 35 लाख 36 लाख रुपए की हमारी गाड़ी डीजल खा गई जी जी। हमारा 500 लाख रुपए से ऊपर जो है तो जो सरकार और कार से मिला वो ठीक है, वो भी सब चला गया जी जी। लेकिन हमारे स्वयं हम हमारे घर से हम इतना पैसा खर्चा किए यहाँ जन सेवा के जी लिए जी जी।
और जनसेवा के उद्देश्य से ही कि सारे भ्रष्टाचार को मैं खत्म कर दूंगा, इसलिए हमने इस राजनीति में आया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। उसका कारण ये था कि 75% समय हमारा जनपद प्रभारी सीओ के कस्टडी में था जी। और जो कुछ आते थे तो इधर उधर महीना दो महीना रहे और फिर चल निकल गए जी, जी, जी। इस बार जो है तो हमारे मन के हमारे जनपद सीओ मिले हैं हमको जी, जी, जी। हमको ये पूर्ण भरोसा है कि हमारा जो है तो पूरा गरीबों का जो हितग्राहियों का जो मूलक सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ मिलेगा। नहीं नहीं सर, बिल्कुल बहुत सही आपने कहा। पर क्या रावली पंचायत में जो सचिव रोजगार सहायक और सरपंच साहब हैं, इनकी शिकायतें तो आपके पास जाती रही होगी, तो आपने कभी इनसे कहा? बिल्कुल कहा। तो ये लोग आपकी बात नहीं माने? लेकिन हाँ नहीं माने, हम बोले कि भाई सब लोग गांव घर के हैं सबको, और ये हितग्राही भी गांव के हैं जी जी जी। तो ये भाग्य की बात है कि घर का आदमी अगर गए हमारा मतलब सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जी, 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 अगर घर का ही आदमी है तो बहुत अच्छी बात है। उस दायित्व का निर्वाह करते हुए आप लोग जो है तो कम से कम जो सही सरकार की गाइडलाइन है उसके तौर पर तो सबका काम करिए ताकि हमारे पास शिकायत न आए। लेकिन यहाँ वही ना, हमने रिक्वेस्ट किए जनपद सीओ साहब से कि आकर के वहाँ बैठ करके थोड़ा इस समस्या का समाधान करवाइए, इसीलिए आए हैं। और जो कुछ हुआ आज चश्मदीद तो अच्छी बात हुई यहाँ जी जी जी। और हो सकता है कि आगे इसका निराकरण हो, ये हमको पूर्ण भरोसा है। आपका कहना है कि सीओ साहब बहुत अच्छे हैं? हाँ बिल्कुल हैं। चलिए यहाँ बहुत बहुत नहीं नहीं आपके बताए सरोसता है, सीओ साहब के कार्य प्रणाली को देखते हुए हम भी बहुत खुश है। मानवता है, मानवता है जी, होना चाहिए। व्यापारी नहीं समझ में आ रहे हैं, इसलिए भरोसा है। जो आदमी व्यापार नहीं करेगा वो काम करेगा, और जो व्यापार जो भरोसा है तो यहाँ से जनपद तक जो हुआ है ना, तो ये व्यापार के कारण अभी तो यही बता रहे हैं, जीआरएसए बता रहे हैं, सरपंच बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, आप सब लोग बता रहे हैं कि यहाँ 10,000 रुपए जो दे दिया है, चाहे 3 मंजिला नहीं 5 मंजिला मकान हो उसका भी आवास मिला है, लेकिन एक झुंगी झोपड़ी वाला जो 10,000 नहीं दिया उसको मतलब पीछे कर दिया, उसको जैसे मान लीजिए जिनको 10 मंजिला जिनका घर बना हुआ है उनको आवास का लाभ दिया गया है, तो अब उसमें क्या होना चाहिए? उसकी जांच हो करके और उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उनसे वसूली करना चाहिए, और उनको जो है तो जो दिया है उसको जेल भेजना चाहिए, उसको नौकरी से हटाना चाहिए। यही तो उसका नियम है और क्या है, जी जी है? और इसमें यही मेरे भाव थे, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार पूरे हिंदुस्तान का देख करके पूरे मध्य प्रदेश का, यहाँ भी अब देखिए सरकार कांग्रेस की थी, फिर वो करके फिर बीजेपी की आ गई, तो वहाँ ना कोई बैठने पाता ना यहाँ कोई बैठने पाता है, तो काम कहाँ से हो? चल तू रास्ता में थोड़ी काम होता है, जब परमानेंट आदमी बैठता है एक जगह और उसमें मंथन करता है तब ना काम होता है। चलिए अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। रोजगार सहायक जी, अभी आपने सरपंच साहब के ऊपर थोड़ा सा आरोप लगाया, सीओ साहब बैठे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष महोदय जी हैं, और ये मनरेगा के शायद सबसे बड़े अधिकारी नागेंद्र दादा नागेंद्र सिंह जी बैठे हैं। बताइए सरपंच साहब के ऊपर क्या प्रॉब्लम? मेरे माइक में आइए सर, कैमरे में आइए। हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम थी? सरपंच साहब ने यहाँ जो गरीबों ने अपने घर में शौचालय बनवाया जी, वो कर्ज लेके बनवाए या अपने मवेशियों को बेच करके बनवाए, लेकिन सरपंच साहब ने जनपद स्तर से सभी का पैसा अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया जी, है ना, किसी को 2,000 किसी को 3,000, उसकी शिकायतें हुई हैं जब तब 2,000-3,000 दिया गया है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर नाम है जिनके शौचालय के पैसे सरपंच ने अपने खाते में निकाला और जिसका बैंक स्टेटमेंट भी एक मिनट निकाला गया। सरपंच साहब के ऊपर जो आप आरोप लगा रहे हैं उसका प्रमाण है आपके पास? बिल्कुल प्रमाण है, मेरे पास बैंक स्टेटमेंट भी है जी जी। तो सरपंच साहब वो बताएंगे कि ये जो SBM का पैसा मेरे खाते में 1-1 लाख 2-2 लाख 3-3 लाख करके आ रहा है जी जी, तो पंचायत में कौन सी शौचालय उन्होंने बनवाई है जी जी। क्या नाम लिखते हैं अपना? विवेक तिवारी, ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ माननीय सरपंच महोदय जी प्लीज, ये आपके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है सर जी, पहले लिसन टू मी फर्स्टली, आफ्टर दैट यू विल टेल मी, ये आपके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है रोजगार सहायक द्वारा, क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच नहीं है जी। इनके खाते में स्वयं इनका जो निजी खाता है, इनके खाते में करीब 2-3 लाख रुपए आए हैं शौचालय के, जी खाते से निकाल लिए हैं, किसी भी हितग्राही का नहीं दिए हैं जी जी। जो हमने शौचालय बनवाया था, जिनको मटेरियल दिलवाया था जी जी जी, उनका पैसा हमारे में आया था, हमने काम करवाया था कुछ लोगों का जी जी, उनका पैसा हमारे में आया, लेकिन
बहुत शौचालयों का पैसा इनके निजी खाते में आया है, जिनका एक रुपया इन्होंने किसी को नहीं दिया। अभी भी बहुत लोग हमारे पास शिकायत किए हैं, इसकी जांच की जाए। दूसरी बात, मनरेगा में हमारे यहाँ बहुत भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मनरेगा में न तो कभी हमारी मास्टर में कोई पूछ होती, मास्टर डिमांड कर लेते हैं, मास्टर डिमांड करने न हमसे कभी मास्टर डिमांड कराई जाती, न मास्टर जब जनरेट करते हैं तो हमारी कोई पूछ होती। जब पैसा भुगतान कर देते हैं किसी के खाते में, पैसा भुगतान करके निकाल लेते हैं तब जो है तो हमको कहते हैं कि आप मास्टर में दस्तखत करिए। दो चार बार उनके कहने में हमने कर दिया दस्तखत। पंचायत भवन का मैंने निर्माण कराया, उसमें मजदूरी करीब जो है तो 3 लाख के करीब थी, ढाई 3 लाख के करीब थी। उसमें इन्होंने जो है तो जो लेबर काम नहीं किए एक भी दिन, उनके खाते में इन्होंने 15-15, 20-20 हजार खाते डालकर पैसा निकाल लिए, एक भी पैसा नहीं मिला। जो लेबर काम किए हों आज भी रो भी लख रहे हैं। पीसीसी रोडों में जो काम हुआ वो दूसरे के खाते में डाल लिए पैसा। तो क्या वो लेबर आपके सामने कहने को तैयार है? बिल्कुल कहेंगे जिनका पैसा नहीं मिला है। तो आज क्यों नहीं आए वो? आप उनको बताए नहीं थे सीओ साहब आ रहे हैं? सीओ साहब मिले थे, गए थे ना वहाँ लेबरों से, तो सीओ साहब को बताए हो सब सारी बातें? वो बताए हैं, जो लेबर दो चार लेबर मिले हैं तो बताए कि हमारा पैसा आज तक नहीं मिला है। जी जी जी। और सर ये जो मेड़ बंधान का आरोप लगाया गया 8 लाख रुपया जो है तो मैंने रोजगार सहायक के द्वारा खा लिया गया, दूसरे के खाते में डालकर पैसा निकाल कर खा लेते हैं। अब जिनसे हम काम करवाते हैं वो एक रुपया नहीं पाते, उनको हमको अपने घर से देना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे पंचायत, इसीलिए हमारे ग्राम पंचायत में काम नहीं हो पाता। भाई यदि हम कहते हैं ठीक है मेड़ बंधान का आप खा लीजिए, लेकिन ये पीसीसी रोड हम बनवा रहे हैं, पंचायत भवन हम बनवा रहे हैं, तो उसका हम लेबर ले जाते हैं, उनसे काम करवाते हैं। तो जो लेबर जाते हैं उन्हीं का मास्टर डिमांड करिए। जो लेबर कभी एक भी दिन काम नहीं किए उनके खाते में 20 हजार रुपया क्यों गया, 25 हजार रुपया क्यों गया? इसकी गहन जाँच होनी चाहिए कि माने उनके उन लेबरों के जिनके खाते में 20-25 हजार रुपये गए हैं उनसे भी मैंने कसमियत में पूछवाइए कि क्या उन्होंने एक भी दिन काम किया है, क्या उनके खाते में 20-25 हजार रुपए, तो उसका घाटा सर कौन सहेगा? बिल्कुल सही बात, उसका घाटा हमको हुआ है। हाँ। तो हमको ये पैसा जो है तो दिलवाया जाए। तो सर ये शिकायत तो आप किए होंगे कभी न कभी? ये शिकायत हम 200 बार कर चुके, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। बस हो गया, कहते हैं कि पैसा जा रहा है, ये हो रहा वो हो रहा है, कई बार खाता चेक कराए जो लेबर काम से। आपकी बात सुनने के बाद तो हमको ये उम्मीद है कि हमारे सीओ साहब इतने अच्छे हैं, हमारे माननीय सीओ साहब नए आए हैं, खुद उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, हमको ऐसा मालूम पड़ा है कि बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। उनको मैंने अपने पंचायत की सारी समस्याएं बताई है जो लेबरों की है। अब मनरेगा में जो भ्रष्टाचार हमारे यहाँ किया गया है उस विषय में भी मैंने माननीय सीओ साहब को अवगत कराया है। जो लेबरों का पैसा नहीं मिला, पीसीसी रोड का जो दूसरे के खाते में डालकर खा लिया गया, पंचायत भवन का जो 3 लाख रुपए दूसरे के खाते में डाल के खा लिया गया, कम से कम तो 8 लाख रुपए तक का जो है तो रोजगार सहायक के द्वारा गमन किया गया। ऐसा? हाँ, आप तो कहना ये है। हाँ, हमारा कहना ये है। और जो शौचालय की बात, शौचालय भी इनके करीब 25-30 शौचालय का पैसा इनके निजी खाते में आया है। जी, तो जी, वो तो हमारे ऊपर आरोप लगा दिए लेकिन अपनी बात नहीं बताए। जी जी, तो उसको भी समझना चाहिए। देखिए इसकी विधिवत जाँच, हमारे जनपद पंचायत सीओ साहब सामने बैठे हुए हैं, अभी सरपंच साहब ने और रोजगार सहायक ने अपने अपने स्टेटमेंट सबके सामने रखा। अब मैं थोड़ा सीओ साहब से जानना चाहता हूं कि इनकी बात सुनने के बाद सर आपके द्वारा क्या कहा जाएगा, क्या निर्णय लिया जाएगा, थोड़ा सा बताने की कृपा करें सर। जी देखिए, हम सभी लोगों के सामने में, समक्ष में जी ग्राम रोजगार सहायक और सरपंच ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया। जी जी, मैं इन दोनों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वे जो बात एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए हैं जी, उसका प्रमाण सहित अपन जब आगामी दौरा में अपन आएंगे जी जी, तो यहीं पर सब जनता के बीच में उसका समाधान करेंगे। जी जी जी, है ना। लेकिन मेरा ये कहना है दोनों से कि ये दोनों अपने अपने प्रमाण सहित उपस्थित हों ताकि जनता को पता तो चले कि बिल्कुल सही सरपंच भ्रष्ट है कि हमारा रोजगार सहायक भ्रष्ट है, बिना पुष्टिकरण करूं मतलब नहीं। हाँ, तो अब इनके प्रमाणीकरण के आधार पर ही अपन आगे निर्णय ले पाएंगे। बहुत बहुत जी सर, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। केएनएन न्यूज चैनल से सुशील पाठक। जैसे इनके अंदर गांव के ही दूसरे नाम है, लेकिन गांव के दूसरे व्यक्ति का है? नहीं, सदस्य में, सदस्य में, सदस्य वाले में, सदस्य में, सदस्यों में दूसरे, हाँ, दूसरों के ही दूसरे जी जी वर्ग के लोग मिलते हैं। हाँ, दूसरे वर्ग के ना जी, इसे आदिवासी के गांव ब्राह्मण जी, ठीक है, चूंकि उनका तो हो नहीं सकता दूसरा, जिसका नाम अंदर है उसी के नाम। केएनएन न्यूज के लिए रीवा से सुशील पाठक की रिपोर्ट।